क्रिस्टल एम्पायर लौट आया है। आप चाहती हैं कि पूरे एम्पायर की हिफाजत करने में मैं मदद करूं आपकी? तुम्हें एम्पायर को बचाने के लिए ये करना ही होगा। अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो? फिलहाल के लिए बस इतना जान लो, सिर्फ एम्पायर ही वापस नहीं होगा। शानदार, चमकदार। केडेंस अपने जादू को मजबूत बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है और मैं आर्टिक में हर तरह की मुसीबत पर नजर रख रहा हूँ। इन सब के बीच हमें क्रिस्टल पोनीज से मिलकर जानकारी इकट्ठे करने का मौका नहीं मिला। यहाँ क्रिस्टल पोनीज भी हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर मुझे कुछ भी याद नहीं किंग सोब्रा के आने से पहले क्या हुआ था। क्रिस्टल एम्पायर की हिस्ट्री आखिरी पेज पर लिखा है, क्रिस्टल हार्ट फेयर के बीचों बीच लगाया जाता है, इसलिए मैंने जादू से क्रिस्टल ब्लॉक को काट कर इसे बनाया। क्रिस्टल फेयर का मकसद ही है क्रिस्टल पोनीज के अंदर के जोश को जिंदा रखना, ताकि उनकी रोशनी से क्रिस्टल हार्ट को ताकत मिल सके और एम्पायर की हिफाजत हो सके। लगता है मुसीबत आने वाली है। मुझे नहीं पता था वो एक असली चीज हुआ करती थी। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट। एम्पायर पर हमला हुआ है। मुझे क्रिस्टल हार्ट को ढूंढना ही होगा। नहीं, तुम केडेंस के साथ यहीं रुको, उसे तुम्हारी जरूरत है। शालिनामा, मैं क्रिस्टल हार्ट ढूंढ कर लाती हूँ। चलो चलते हैं। मैं कब से सोच रही थी प्रिंसेस सेलेस्टिया के टेस्ट को कैसे पास कर पाऊंगी। क्रिस्टल हार्ट को ढूंढ कर ही मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर तुम कुछ और भी कर सकती हो। बताओ। तुम्हें और बाकी दोस्तों को फेयर जारी रखना होगा। क्या एम्पायर में उस चीज के होते हुए? क्रिस्टल फेयर का मकसद ही है क्रिस्टल पोनीज के जोश को जगाना, ताकि वो क्रिस्टल हार्ट को ताकत दे सके, समझी? हाँ, तो अगर क्रिस्टल पोनीज को पता चला कि किंग सोम्रा फिर से एम्पायर पर कब्जा करने आ गया है, तो उसके बाद हम उनके अंदर का जोश नहीं जगा पाएंगे। फिर क्रिस्टल हार्ट को ढूंढ लिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसे ताकत नहीं दे पाएंगे। तुम्हें उन्हें फेयर में ही रख कर खुश रखना होगा। फेयर को जारी रखो और क्रिस्टल पोनीज के जोश को जिंदा रखो। समझो? हो गया। ट्वाइली, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। पता चला कि वो नन्हे मुनो के लिए फेस पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं। ट्वाइलाइट क्या कर रही है? उसे अपना चेहरा पेंट करवाना बहुत पसंद है। फ्लूगलहॉर्न किसे चाहिए? फ्लूगलहॉर्न मुझे चाहिए। किसी और को चाहिए ये फ्लूगलहॉर्न? मुझे चाहिए फ्लूगलहॉर्न। ट्वाइलाइट रुको, मैं भी साथ आ रहा हूँ। तुम नहीं आ सकते, मुझे क्रिस्टल हार्ट को अकेले ही वापस लाना होगा। जानता हूँ, वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। एक उंगली भी नहीं स्पाइक। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? शायद मुझे मालूम है किंग सोम्रा ने क्रिस्टल हार्ट को कहाँ छुपाया होगा। महल में? किंग ने जरूर यही सोचा होगा कि कोई भी पोनी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करेगी। वो कोशिश करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। उम्मीद है तुम सही हो। तुम और मैं दोनों। तुम क्या घूर रहे हो?
बड़ा आया, चल यहाँ से। रेनबो डैश, ऐसी एक्टिंग करनी है जिससे लगे कि कुछ गड़बड़ नहीं है। सही कहा। मेरे कहने का मतलब है शायद मैं क्रिस्टल पोनी को नकली हाथ से दूर रख सकती हूँ, तब तक तुम सबको अपनी कुश्ती की ताकत दिखाओ। हाँ। वैसे मेरी शानदार उड़ान देखकर पोनीज का मूड हमेशा ठीक हो जाता है। अब चलो भी नाइट फ्लटरशाय, अब है शो टाइम। तुम्हें कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हजारों सालों में इतना मजा कभी नहीं आया। ये तो अच्छी बात है। क्रिस्टल हार्ट को ताकत देने के लिए तुम्हें अपने अंदर के जोश को जिंदा करना होगा, है ना? मैं सेरेमनी से पहले एक बार उसे जरूर देखना चाहूँगी, काफी साल बीत गए। समझ गई। पर यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यकीन है कि तुम पहले क्रिस्टल एम्पायर नेक्टर जरूर पीना चाहोगी। क्या तुमने क्रिस्टल एम्पायर फ्रिटर्स ट्राई किए, जिन्हें पुराने क्रिस्टल एम्पायर रेसिपी के मुताबिक बनाया गया है? तुम्हें पसंद आएगा। मैंने सुना वहाँ एक कुश्ती का मुकाबला शुरू होने वाला है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। Come on, Twilight, ये क्रिस्टल पोनीज के बिल्ली से भी ज्यादा बेकरार है। उसे यहीं कहीं होना चाहिए, बस यहीं कहीं। एक उंगली भी नहीं स्पाई। सेलेस्टिया का ऑर्डर है। अगर एम्पायर में खुशियां और उम्मीद फैली रहे तो इक्वेस्ट्रिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर अगर उसकी जगह डर और नफरत ले ले तो बिल्कुल। क्या तुम्हें वो मिल गया? नहीं, क्योंकि ये किंग सोमरा का महल नहीं है। क्या वो यहाँ नहीं रहता था जब राज करता था? वो रहता था, पर तब ये जगह ऐसी नहीं दिखती थी। तुमने ये करना कब सीखा? प्रिंसेस सेलेस्टिया की सिखाई छोटी सी ट्रिक थी। तुम यहीं रुको। जैसा तुम कहो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है वहाँ, क्या है? अभी नहीं, मैं ये भी नहीं जानती है कितना अंदर तक जाता है। क्या कर रही हो? पता नहीं, मैंने बस दरवाजा खोला। और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ? वो मुझे नहीं मालूम। तुम टेस्ट में फेल हो गई ट्वाइलाइट। मैं कुछ समझी नहीं, टेस्ट तो। अब पढ़ाई के अगले लेवल पर जाना तो दूर की बात है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी तरह से बंद ट्वाइलाइट। मैं, आपने तो बताया ही नहीं था कि फेल होने पर आपकी स्टूडेंट भी नहीं रहूंगी। क्या मैंने नहीं बताया? पर अब मैं क्या करूं?
जानता हूँ तुमने ऊपर रहने कहा था, पर तुम्हें यहाँ नीचे आई इतनी देर हो गई और तुम जवाब ही नहीं दे रही थी, तो मुझे चिंता होने लगी और तुम इस दीवार को देख रही थी। मैं तुम्हें बुला रहा था, तुम क्या देख रही थी? मेरा मतलब ये तो सिर्फ एक दीवार है। बोनीवल, मैं यहाँ कैसे? नहीं नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। प्लीज ट्वाइलाइट, मुझे ऐसा किंग सोमरा का काला जादू, ये दरवाजा आपके सबसे भयानक सपने को सामने ले आएगा। हम घर पर थे, तुमने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम मुझे निकाल रही थी। डरावना सपना जो कभी सच नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगी और मैं टेस्ट में भी फेल नहीं होंगी। वहाँ अंदर क्या है? सीढ़ियाँ, बहुत बहुत सारी सीढ़ियाँ। शायद इस बार तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। हुआ है कि तुम यहाँ के लोगों का मन किस तरह बहलाती हो, पर शायद ये तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, तभी तो तुम अच्छा अब रो मत, अगली बार मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगी, पर ज्यादा नरमी से नहीं, मुझे अपनी इज्जत का भी तो ख्याल रखना है। ये भी अगर उसका एक और जादू हुआ तो, अगर वो दरवाजा बना सकता है जो तुम्हें सबसे डरावने सपने दिखाए, तो सीढ़ियाँ क्यों नहीं जो खत्म ना हो। मुझे कस के पकड़ लो। माफ कीजिए, मेरे पास ट्रेडिशनल वीविंग क्राफ्ट बूथ पर बुनाई का सारा सामान खत्म हो गया है। अभी मैंने 3 घास के टुकड़ों और 1 ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से एक हैट बनाई है। मैंने काम तो चला लिया, पर फिर भी हमें इस फेयर को जारी रखना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। प्रिंसेस की हालत ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता उनका जादू ज्यादा देर तक टिक पाएगा। सब ठीक हो जाएगा, जब वक्त आएगा तो ये क्रिस्टल पोनीज उस क्रिस्टल हार्ट को ताकत देंगी और हमें उनके जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ जल्द ही निपट जाए, इस पार्टी को हमेशा के लिए चालू नहीं रख सकती। बेशक ये असली नहीं है, असली वाला तो रास्ते में है। मैं कहने वाली थी कि वो पॉलिश हो रहा है ताकि हमें और वक्त मिल सके। ओप्स। वाह! मैंने ये सोचकर ग्रेविटी स्पेल्स के बारे में पढ़ा था कि मेरे टेस्ट में काम आएंगे, पर लगता है मैंने काफी अच्छी तैयारी की। वो हार्ट कहाँ है क्रिस्टल? यहाँ, जब तुमने उसे गिराया तो ये यहाँ आ गया। हिलना मत।
तुम चल सकते हो, बस मेरी तरफ नहीं। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, उसे पाने के लिए इतनी उतावली हो गई। ये जानते हुए कि मैंने बाहर क्या देखा था। तुम्हें वहाँ से निकलना होगा ट्वाइलाइट। सिर्फ तुम ही क्रिस्टल हार्ट प्रिंसेस कैंडिस के पास ले जा सकती हो। ऐसा नहीं हुआ तो तुम टेस्ट में फेल हो जाओगी। किंग सोमरा पहले ही एम्पायर पर हमला कर चुका है, वो किसी भी वक्त क्रिस्टल पोनीज के करीब पहुँच सकता है। प्रिंसेस केडेंस, मेरे भाई और मेरे दोस्तों के करीब। शायद मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए काफी वक्त नहीं है। तुम्हें क्रिस्टल हार्ट को फेयर तक ले जाना होगा। मुझे? मगर ट्वाइलाइट। जाओ। पर जाओ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। असली क्रिस्टल हार्ट अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। मुझे नहीं लगता उन्हें तुम्हारी बातों पर यकीन हो रहा है। मुझे भी अपनी बातों पे यकीन कहाँ है। वो लौट आया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। किंग सोमरा, हे यहाँ ऊपर। बाइक? मैं क्रिस्टल हार्ट ले आया हूँ। रोशनी का इस्तेमाल करो ताकि हम किंग सोमरा को हरा सकें। अच्छे स्पाइक। काश ही हमेशा के लिए होता। क्या तुमने देखा था मेरे बाल कैसे चमक उठे थे? पर अच्छी चीजें मिलने में मुश्किल हो तो और अच्छी लगती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह मुझे बचाना बंद करना होगा। मुझे खुद की हिफाजत भी करनी चाहिए। लेकिन इस बार मैंने नहीं बचाया, स्पाइक ने बचाया है। ये बस एक टेस्ट था, शायद वो तुम्हें एक और मौका दे दे। मुझे नहीं लगता वो कोई नया टेस्ट देने वाली है। खुद पर काबू रखो दोस्त, तुम्हें मजबूत बनना है ट्वाइलाइट की खातर। ये बहुत खूबसूरत है। काश कि वो मैं होती जो इसे वापस लेकर आती, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्वाइलाइट, स्पाइक क्रिस्टल हार्ट को प्रिंसेस केडेंस के पास लेकर आया क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम उस टावर से कब तक बाहर निकल पाओगी। अपने भविष्य की हिफाजत के लिए तुमने क्रिस्टल एम्पायर के लोगों का भविष्य दांव पर नहीं लगाया। ये तो और भी अच्छी बात है कि मेरी स्टूडेंट दूसरों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना जानती है और उसके लिए दूसरों की खुशियां ज्यादा मायने रखती हैं। क्या इसका मतलब है? वो खुशी से पागल हो जाएगी। अपने आप को काबू में रखो दोस्त, तुम्हें मजबूत बनना होगा ट्वाइलाइट की खातिर। हाँ?
की घड़ी, कर लो खुद पर तुम यकीन, इस मुश्किल में हो खड़ी उतरी। तुम में सारी ही खूबियां हैं और जोश है हिम्मत भी है, हमें यकीन था तुम्हें जीत मिलेगी, ट्वाइलाइट अपना जादू दिखा ही देगी। खुद पर हमेशा यकीन रखना, मुझे जीत मिल गई, तुम्हें जीत मिल गई, मुझे जीत मिल गई, तुम्हें जीत मिल गई, अब कर लो खुद पे यकीन। हाँ, मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा।